कांग्रेस ने उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताने वाले बयान की निंदा की है। कांग्रेस के नेता वैभव वालिया ने 9 जून को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सुनिश्चित करें कि रावत को बीजेपी से बाहर किया जाए। उन्होंने कहा कि त्रिवेंद्र रावत द्वारा राष्ट्रपिता के हत्यारे को राष्ट्रभक्त कहना सिर्फ महात्मा गांधी का नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का अपमान है। भारतीय राजनीति से ये हमेशा के लिए गायब होना चाहिए। किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो ये कह सके दोबारा कि नाथीराम गोडसे देशभक्त था। इसके लिए हम मांग करते हैं कि आपको अपने उस पूर्व मुख्यमंत्री को अपनी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई और चारा नहीं बचा है, और जब तक आप ये नहीं करते हो तब तक संदेश नहीं जाएगा। और यदि आप ये नहीं करते हो तो मोदी जी से भी हम कहना चाहते हैं, आपको फिर कोई अधिकार नहीं बचता है कि दोबारा आप कभी भी महात्मा गांधी जी की तस्वीर पे फूल चढ़ाइए या महात्मा गांधी जी की किसी मूर्ति पे माल्यार्पण कीजिए। आपको कोई अधिकार नहीं है। यदि आप इन्हें बाहर नहीं निकालते हैं तो इसका मतलब आपकी रजामंदी है जो ये कह रहे हैं इसमें। इससे पहले उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 7 जून को महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त करार दिया और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मखौल उड़ाते हुए कहा था कि वो केवल गांधी उपनाम साझा करते हैं। नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, उनकी देशभक्ति पर संदेह नहीं किया जा सकता है। लेकिन राहुल गांधी कौन सा गांधीवाद पर चल रहे हैं? गांधी जी ने जो स्वदेशी की बात करी, ये कौन से स्वदेशी की बात कर रहे हैं? ये जनेऊ कोर्ट के बाहर लटका करके और गांधीवादी बनना चाहते हैं तो उसको जनता समझती है। और इसलिए राहुल गांधी देश की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। बता दें कि उत्तराखंड के पूर्व सीएम रावत ने एक कार्यक्रम के दौरान संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि गांधी जी को अगर मारा तो वो एक अलग मुद्दा है। जहाँ तक मैंने गोडसे को जाना और पढ़ा है, वो भी एक देशभक्त थे। गांधी जी की जो हत्या हुई उससे हम सहमत नहीं हैं। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस बयान को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है।